वहां पे वो मेट ने कहा, देखे होंगे आप लोग भी बीच बस, ऐसी क्या जरूरत है, क्या तुम्हारे साथ तुम्हारी कौम नहीं है या तुम कौम के लीडर ही नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। एक मैं तो पॉलिटिशियन भी नहीं हूं, मैं तो ऐसे कहा जाएगा कि एक बच्चा हूं पॉलिटिक्स में। इस वजह से आज देखिए उनका वहां पे पूरा टोटल पोलिंग परसेंटेज डाउन हो गया, एक आपके भाई रहने से पोलिंग परसेंटेज इतना डाउन हो गया। वो लोग तो दावे कर रहे थे कि 80% पोलिंग होगी, 80% तो छोड़ दीजिए। मैं तो शॉक हो गया सुन के, 5 बजे के अंदर की रिपोर्ट है कि सिर्फ 30% पोलिंग हुई। अरे 30% कैसा हुई? उसके बाद देखते गए तो बाद में शायद अब 40 हुई या 40 क्रॉस करी या 48 तक आई। यानी कि आधे लोग तुमको वोट डालना पसंद नहीं करते, किसी को भी वोट डालना पसंद नहीं करें, ये झूठे झगड़ों में जाने ही नहीं बोल के लोग वोट नहीं डाल रहे। मगर बहुत ही मजेदार और बहुत ही दिलचस्प इलेक्शन रहा। आपका भाई गली गली हर पोलिंग स्टेशन पे जहां जाता है, जो बोकसिंग करने वाले पीठ को पैर लगा के भागते हैं। अरे मैं सोचा मेरे को मारेंगे या मेरे पे हमलावर होंगे, मगर एक जगह एक ऐसा हुआ कि कम से कम 100 के ऊपर या 150-200 लोग इकट्ठा हो गए। मगर ये शेर दिल वहां से हिला नहीं, वहीं ठहरा। बोला कौन है वो देखेंगे आज, जबान से तो बहुत सारे लोग वीडियोस हैं मेरे, जितने भी इंसिडेंट्स हुए उसके वीडियोस हैं, मगर वो 100-200 भी हमला करने की हिम्मत नहीं रखते। जो फूलबाग के करीब ये वाकया हुआ उसकी वीडियोस है मेरे पास, मगर 100-200 भी मिलके एक ईसा मिश्री को नहीं, ये ईसा मिश्री की बात नहीं है, सच्चाई के ऊपर हमला करने के लिए 200-500 आदमी भी कम पड़ेंगे। आपका भाई झूठा नहीं है, आपके भाई ने कभी बोकसिंग नहीं करवाई। मैं कहता हूं कि बोकसिंग मत करो, मत करो, मत करो। अल्लाह का शुक्र है जो ईमानदार मेरे माए बहने, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग थे, वो तलखीन किए कई लोगों को, इसीलिए वो लोग का जो टारगेट था 80% वोटिंग होगी, कहां से होगी। अभी भी मैं कहता हूं बहुत सारे जगहों पे वो लोग ने बोकसिंग की है, क्योंकि 299 बूथ थे और मैं अकेला तुम्हारा भाई था। मगर एक आदमी भी सच्चा होता है ना, तो उसके सामने सब वो हजारों भी नहीं ठहर सकते। आज अल्लाह ने ये साबित कर दिया है कि हजारों लोग भी आपके भाई के सामने फीके पड़ गए, मगर मैं ऐसा एंजॉय किया हूं और मैं कोई फोर्स लेके नहीं घुमा हूं मेरी गाड़ी के पीछे। मैं मुझे एक पुलिस वाला दिया गया था बॉडीगार्ड, जो वो मेरी कार में था, मेरा ड्राइवर जो मेरा दो छोटे भाई की तरह है वो, और एक मेरे साथ मेरा एक दोस्त, बस हम लोग पाशा भाई, हम लोग एक एक जगह, एक एक गली, एक मगर इतने लोग डर के भागे तो मैं पहली बार देखा। मैं सोचा कि कोई आके मुझ पर बहादुरी से बात करेगा, हमला करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, मगर कोशिश भी नहीं कर सके वो लोग। और आपके भाई को देख के वो जो बोकस डालने वाले कैसे भाग रहे थे मालूम, जैसे पुलिस को देख के चोर भागता है। और यहाँ पे भी कुछ अपने कोशिश करके लोग चिल्ला रहे थे कि भाई डालो वोट डालने क्यों नहीं जा रहे, तो नहीं भाई वहाँ ईसा मिश्री है, ईसा मिश्री है। तो अल्लाह ताला जब सच्चाई के साथ हम चलते हैं तो हमारे साथ हो जाता है और हमारी ताकत को दुगनी तिगनी कर देता है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ आपके सामने, क्यों जरूरत पड़ती है बोकसिंग की, जब आपकी कौम आपके साथ है तो बोकसिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। आप खुशी से घर में बैठना और जिसका वोट उन्होंने डालेंगे, बोकसिंग के लिए आप सिस्टम लगाए, बोकसिंग के लिए आपके आदमियों ने अरेंजमेंट किया। MIM के कई कार्यकर्ताओं को मैंने देखा है लोगों को जमा करते हुए, और जब ईसा मिश्री वहां जाता है तो पूरे उठ के इधर उधर गलियों में चले जाते हैं। मगर आपका भाई एक एक वीडियो निकाला है ताकि ये इलेक्शन को तो साइड में रख दो, सच्चाई आवाम के सामने आए, सच्चाई आवाम के सामने आए। 80% पोलिंग नहीं, 48, यानी कि आधे लोग भी वोट नहीं डाले, आधे से कम लोग वोट डाले। और जिसने भी मुझे वोट डाला है मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर इंशाल्लाह आपका भाई जीतेगा तो जो वादे ईसा मिश्री किया है इंशाल्लाह वो पूरे करेगा। और जितने भी लोग जहाँ जहाँ से भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि वीडियो सच्चाई की वीडियो है, मेरे नाम शोहरत के लिए नहीं। आपके भाई ने कारनामा किया है, कोई हिम्मत नहीं करता था कि भाई इनके सामने गए तो कुछ हो जाता, इन्हों कुछ कर देते। देखिए आपका भाई पूरा 11 घंटे 12 घंटे अपनी फील्ड वर्क पे था, कोई फोर्स 10-20 जवानों को लेकर नहीं फिरा। एक गाड़ी में मेरा एक बॉडीगार्ड, एक मेरा गाड़ी चलाने वाला और एक मेरा दोस्त,
और मैंने मेरे लड़कों से भी कहा आप लोग आराम करो घर में, मगर मेरे लड़कों ने कहा नहीं अब्बा जान, आप इतने ही मेहनत करेंगे तो हम भी आपका साथ रहेंगे। बोला देखो बेटा तुम कहीं रुकना नहीं उतरना नहीं, तुम तो मासूम हो, तुमको नहीं मालूम है तुम्हारे वालिद ये हिम्मत करके आगे आया। वालिद को कुछ होता है कोई बात नहीं, वालिद ये चीज़ चुना है, जो जन्नत का तलबगार होता वो किसी से नहीं डरता, अल्लाह उसकी मदद करता। आज ये बात साबित हो गई और ये बात इतनी आम करो कि मेरे जैसे और 100 ईसा मिसरी पैदा हो जाएं और हक का साथ दें और हक की जीत हो। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। और मेरे हिंदू भाइयों वोटरों से भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, जो वो लोग ने मुझे बहुत ही दिल से वोट करा और वोट करके मुझे कह रहे थे भाई हम आप ही को वोट करे हैं, आप ही जीतेंगे इंशाल्लाह। उनकी भी उम्मीदें पूरी होगी। आपके भाई को दीजिए इजाज़त, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई हकीकत सामने लाएगा और वीडियोज भी कुछ सामने पेश करेगा जिसमें लोग मुझसे डर के भाग रहे हैं, एक नहीं दो नहीं सौ लोग भाग रहे हैं। मैं परेशान हो रहा था, अरे कोई हिम्मत वाला होगा, हिम्मत वालों का नाम नहीं है, डरपुकों का नाम है। अब आप समझ जाइए, क्योंकि मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, नाम नहीं लेता हूँ। लोग को कहते हैं कि हम हिम्मत वाले हैं, जाले हैं, जाले नहीं डरपुक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।